ये रहे नोटिस तैयार हो गए, लीगल नोटिस। हमारी नीतू घर की बड़ी बहू है तो हम हर चीज में कि नीतू ये लेकर, नीतू ये कर दे, नीतू वो कर दे। कीर्ति मेरी बेटी है, कीर्ति बिल्कुल डालेगी। जब तक कीर्ति ने नहीं डाला मैंने नहीं डाला, और जो हो गया हो गया, हमारे घर में अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। कोई मुझे समझ आते जिस बात बिल्कुल, क्या हो गया। जैसे जर्मन से जर्मन एम्बेसी से के थ्रू वो बुलाया जाएगा उसको यहीं पे। सैंडीला तो कौन सी मिर्ची दे दी है तुझे, जवा मिर्च तो ना खा ले। कोई गोवा जाने से पहले इतना उदास देखा है? जे गांगरा मेरे बच्चे भूल न जाना। ओए जूनियर भाई, अभी कल हमारे एक व्लॉग आया होगा, उसने देखा है रोका वाला, लोगों ने देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा उसमें क्या, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे। दरअसल था क्या कि इस रोके की मैं बताता हूँ, इसकी सारी तैयारी मैंने और हमू ने ही की थी। हम 4-5 दिन से इसमें लगे हुए थे। पहले वो अंगूठी लाना, जितने भी गेस्ट आए थे ना सबको हम कपड़े लेके आए थे उनके लिए, ड्रेसेस सूट्स वगैरह साड़ी वाड़ी वो सब थे, सबके लिए सिल्वर के चांदी के वो लेके आए थे, गिफ्ट लेके आए थे लड़के लड़के के, उनके जो पहनाई थी शारंस को बेटे को अंगूठी डायमंड रिंग वगैरह वो सब जो लेके आए थे ना, तो हम लग रहे थे 4-5 दिन से बहुत भाग दौड़ में। अच्छा बच्चे अपने मस्ती में थे, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग कई क्या कह रहे हैं कि बहमू और पाई, देखो हमारे होता क्या है कि हमारे लड़की वाले का जो जो लड़के वाले के पक्ष के होते हैं ना, क्योंकि हम तो अपने घर पे आ रहे हैं, हमें क्या सजना धजना था, सजना धजना तो वो आए थे बढ़िया और अच्छी बात है उनका, हमें तो उनका स्वागत करना था। और सबसे बड़ी बात क्या है उसमें कि ये सारी जो हमारे यहाँ क्या है कि अब जैसे हम थे, मैं भम्मू, हम लोग तो भाग दौड़ उस दिन सुबह से ही उस तैयारी में लग रहे थे ना कि हमारे आएंगे भाई हमारे। अच्छा बच्चे लोग हैं ये सब अपने अपने कामों में थे। जैसे हमारे साथ में हमारी सिस्टर आई थी, बुलेन शहर से भाभी जी और वहीं थी, वो हमारे साथ तैयारी में सुबह से लगी हुई थी। और ये बच्चे तो कोई वीडियो बनाने में था, अल्लाह खान नीतू ये तो जब जैसे ही वो आए थे ये भी तभी आए, करण और ये भी अपने अपने कामों में लगे हुए, तो हम लगे हुए थे सारे, तैयारी तो हमने की थी। नहीं और हुआ क्या था, जैसे बोल रहे ना कि मतलब सब कुछ नीतू ही करती दिख रही है, ये है वो सारा कुछ मैंने ही हमने ही करा है। उसके बाद में क्या, नीतू तो जैसे वो गेस्ट आने वाले थे तभी आई थी 5 मिनट पहले, और एक चीज मैं बताऊंगी। और पता है नीतू को हम हमेशा आगे रखते हैं, आपने तो ये वाली बात ऐसे ऐसे ही कह दी, मतलब किसी को ये नहीं देखते कि कितना आदमी का दिल दुखता होगा, कुछ भी बोल देते हो ठीक है। हमारी नीतू घर की बड़ी बहू है तो हम हर चीज में कि नीतू ये लेकर, नीतू ये कर दे, नीतू वो कर दे ठीक है। ये तो चलो कीर्ति के रोके की बात, और मैं बता अभी मैं बता देता हूँ। हाँ जब आपने देखा होगा जब करण का भी रोका हुआ था ना, तो सैंडी को अंगूठी किसने पहनाई थी, नीतू ने। तो हमारे वो तो उन्होंने कराई, तो क्योंकि सैंडी का रोका था नीतू ने। हमारे यहाँ जो भी कोई आगे कोई भी काम होता है ना उसको बड़ी बहू ही करती है भाई, बड़ी हमारे यहाँ नीतू है तो हमें वही करती है उसी का। शिमला की तो मैं एक बात और बताऊं, जब हम सैंडी का रोका करने गए थे ना, तो सैंडी के रोके में क्या था कि वहाँ पे उनके यहाँ पे तो ये रिवाज है कि सब कुछ सास ही करती है। उन्होंने बाद में भी एक दो दिन ये कहा था, उनकी मम्मी का भी मेरे पास या बाद में रोका कॉल आया था कि आपने कुछ नहीं करा, आपने ये चीज नहीं कराई, सब कुछ आपने बहू से ही कराया। मैंने कहा हमारे यहाँ पे ऐसा ज्यादातर मैं अपनी बहू को ही आगे ये कर दे वो कर दे। अब जैसे रिकी का होगा तो उसमें सैंडी को आगे रखा जाएगा, अब जैसे सारे प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें नीतू को आगे रखा जा रहा है कि नीतू ये कर नीतू वो कर दे। आपने सैंडी का भी ब्लॉग देखा होगा, सब कुछ नीतू ही करती दिखी होगी, मैं साइड में खड़ी होंगी। हमारे यहाँ क्या है जब बहू आ जाती है ना तो सास अपनी ज्यादातर चीजें वो जिम्मेदारियां वो ये सोचते बड़ी बहू करे। अब जैसे करण के में कीर्ति के में वो करेगी, बाद में फिर रिकी के में आएगा, फिर अगर रिकी से पहले दूसरी शादी हो जाए सैंडी हो जाए फिर बाद में वो करेगी। तो ये होता है हमारे बहू बहुओं से करवाते हैं हम, क्योंकि बहू आती है ना तो बहुओं को भी लगे बहुओं को सम्मान देने के लिए एक तरह की ये हमारी वो रहती। अच्छा अब आप जैसे कहा ना लोगों ने व्लॉग व्लॉग बनाने के लिए, व्लॉग तो सबने बनाए, आपने देखा हो कीर्ति उसका सॉरी सैंडी का भी जब हुआ था ना रोका हुआ था, सबने व्लॉग बनाए थे, हमने बनाए, सैंडी ने बनाए, लखन ने भी बनाए, नीतू ने बनाए, तो सब जब घर का प्रोग्राम तो सभी लोग तो बनाएंगे, इसमें कौन सी वो भी बनाएगा वो नहीं बनाएगा, सब लोग बनाते हैं और इसमें कोई वो नहीं है घर का प्रोग्राम। और बल्कि और एक और चीज बता देता हूँ अभी आपको, उसमें तो ये हुआ था जिस दिन हम रोका करके हम रात में चंडीगढ़ रुके थे, तो शाम को हम सब लोगों ने रोका सेलिब्रेशन लोग सैंडी को डाल रहा था, बस सैंडी से पहले लखन ने डाल दिया था, जबकि सैंडी को सुबह सैंडी भी डाल दी, सैंडी से पहले लखन ने डाल दिए थे वो दोनों वो प्रभाव, लेकिन वो डाल दिए तो डाल दिए भाई घर के ही हुआ ना, घर में तो सारी चीजें ऐसे होती है। पर बहुत लोग क्या होते हैं ना, ये चीज इसको करनी ये चीज इसको, अरे भाई ये हमारे घर के मैटर है भाई, मत करो हमारे घर है हमारे। अच्छा, घर हमारा घर है। कुछ लोगों से पूछना चाहती हूँ जिनकी आंखों पे बिल्कुल ही पर्दा चढ़ा हुआ है, उस टाइम नहीं दिखा कि मतलब ये ब्लॉग पहले कौन डाल रहा है? और रही कीर्ति की बात, कीर्ति मेरी बेटी है, कीर्ति बिल्कुल डालेगी। जब तक कीर्ति ने नहीं डाला मैंने नहीं डाला, लेकिन हुआ क्या था कीर्ति ने तो खुद एडिट करा नहीं, वो मतलब जो उसका ब्लॉग था कीर्ति ने तो एडिट करा नहीं है। जो कीर्ति का जिसने भी एडिट करा है उसमें आप देखो उठा के मेरा ब्लॉग लगाओ और फिर कीर्ति का चलाना, ये देख लेना मेरी क्लिप सैंडी की क्लिप ज्यादा से ज्यादा काट दी गई है, हम दिखाए ही नहीं। अब सुनो
भम्मू के ब्लॉग में सबको दिखाया गया, देखो उसमें है ना, किसी को नहीं रोका, ये नहीं किया कि उसमें कोई किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं की गई है, क्योंकि हमारे लिए सब बच्चे भाई, हमारे हैं सारे बच्चे, वो ठीक है ये कि वो चीज के लिए, और बाहर के लोग जो ना वो खामोखा की वो डिस्प्यूट करने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से ही हो गया, और जो हो गया हो गया, हमारे घर में अब कोई डिस्प्यूट नहीं, और कोई डिस्प्यूट अब कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी की दाल नहीं गलने वाली। लखन, नीतू, करण, यश, कीर्ति, ये सब हमारे बच्चे हैं, सैंडी, सब लोग हमारे हैं। थोड़ा थोड़ा अपने कामों पर ध्यान देना, जितना दूसरों के घरों में घुस रही हो ना, वैसा भी मुझे ऐसा लगा है कि ये चूल्हे ना तुमने भागोने को अलग रख लिए होंगे, खुद रख लिए होंगे, कभी रिस्पेक्ट करी नहीं होगी अपने बड़ों की, और ना ही कभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग इस तरह है नहीं, जो कि वो है ही नहीं, मतलब पारिवारिक टाइप या गैर पारिवारिक टाइप के लोग होते हैं जो हर चीज में नुक्स ढूंढते हैं। अच्छे लोगों में 95% ऐसे लोग हैं जो फालतू के घरों में दूसरों के घरों में घुस रहे हैं, जो खुद इस तरीके के हैं, वो 5% लोगों के लिए बोल रही हूँ। 95% तो लोग इतने अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे, समझदार, घरेलू और घर अपना चला रहे हैं ऐसे। अच्छा, और दो चार तो दो तीन ऐसे, जैसे दो तीन तो पॉडकास्ट वाली वो बावली हुई रखी है, एक है इसका नाम तो मैं कहूंगा, भाषा इतनी असभ्य बोलती है, इस तरह की भाषा बोलती है वो, और मुझे समझ आता जिस बात क्या हो गया? जैसे अभी इनके अभी हो रहा है, इनके मैंने सब रिकॉर्डिंग वो सारे इनके जो पुराने वीडियो थे ना, इन्होंने हालांकि काफी उनके थंबनेल वो चेंज किए, लेकिन मैंने तो पुराने सब रिकॉर्ड कर लिए, पुराने हाथ घात कर रहा हूँ सबके, और मैंने उसके बाद वकील साहब ने बता दिया कि करो यहाँ कार्रवाई, FIR करो, जर्मन से, जर्मन एम्बेसी से के थ्रू वो बुलाया जाएगा उसको यहीं पे। इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया ना, ध्यान दे ले। सैंडी के नाम पे तो इतनी वो लगा है, पता ना सैंडी ने तो कौन सी मिर्ची दे दी है, जवा मिर्च तो ना खा ली सैंडी वाली मिर्च। अब हम लोग जैसे और सब लोग हैं, अपने अपने वीडियो व्लॉग बनाते हैं, वो बनाते हैं, वो क्या दूसरों पे ही लगी रहती है, अरे अपने कुछ बनाए, अपने कुछ करें, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि किस बेचारा कुछ होता नहीं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं, घर पे नहीं, तो कुछ कुछ छोटे मोटे किसी उस पर, मुझे लग रहा कोई कुछ होगी, कुछ ध्यान देता ना इस पे, तो बेचारी क्या है, फिर वीडियो ही बनाती रहे, गाजियाबाद की है कहीं ना, वहाँ के अमरीका की, मुझे कोई घर में बात नहीं करता, तो उसको कुछ तो चाहिए टाइम पास करने को, तो अपने सास ससुर है ना, उन्हें भी ऐसी छोड़ गई है। और एक एक और चैनल एक और है, वो तो लिंक बना के खूब रिकॉर्डिंग करा ली, उसके लिए भी, उसके पे भी कार्रवाई करा रहा हूँ, मैंने सबके वकील कर लिए, और देखो मैं बोल रहा हूँ लीगल कार्रवाई हुई सबके, जो अगर जिसकी नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने अपने एंटीपिटेशन पे वो बहुत दिए हैं कि ये ऐसे होगा, ये चीज ऐसे रही होगी, ये मतलब अपनी बहुत ज्यादा वो दिए लोगों ने निकालने का विश्लेषण, खुद के हिसाब से किए लोगों ने, वो देखेंगे नाम भी लिए हमारे, हमने सब ऐसा बहुतों ने तो अभी बहुत सारे थंबनेल और वो हटा दिए, चेंज कर दिए, हमारी पिक्चर बीच में से हटा दी, लेकिन हमने तो सब रिकॉर्डिंग ले रखी है। तो मैं बता दूंगा, एक दो लोग ऐसे शामिल हैं उसमें, एक दो लेडी हैं ऐसी हैं कि जो बहुत बड़े ऐसे मीडिया ग्रुप से मिले, जो मीडिया ग्रुप ज्यादातर हमारे सरकार माननीय हमारे मोदी जी और जो हमारी केंद्र सरकार, इसके खिलाफ एक समूह है, पत्रकारों को, पुराने पत्रकारों का, नए पत्रकारों का, बहुत सारा एक समूह है, उसकी सदस्य है वो जो लेडी है, वो जो हमारे खिलाफ पूरी व्यू रचना जो बना रही है ना, सब लोगों से अटैचमेंट कर रही है, सब लोगों को बना रही है, कुछ बना रही है मुंबई बैठ के, वो बहुत बड़े, इतने बड़े, बड़ा, बहुत बड़ा पत्रकारों का गैंग है, जो एंटी एंटी बीजेपी, एंटी नेशनलिस्ट कह सकते, नेशनलिस्ट, नेशनल कह सकता हूं मैं उनको, उनके खिलाफ हम मतलब पूरी तरह से वो चला के रखती है, वो उनकी सदस्य, उसी ने ही ये सारा वो सब वो करा रही है ये सारी चीजें। अब मैं सोचो कि जब मैं तो ये देख के हो गया यार, इनके संबंध तो उन लोगों से है, उन पत्रकार के ग्रुपों से जो सरकार को नहीं बख्शते, जो हमारे केंद्र सरकार को नहीं बख्शते, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं आज देश के लिए, भाई देश का उन्होंने कायाकल्प कर दिया देश का, उन पे दिन रात वो जो समूह है निशाना छा सा, उल्टा सीधा वो करता रहता, उस ग्रोह उस उसकी सदस्य है वो, उस अब आएगी वो पुलिस, वो कर रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, वकील लोग कर रहे हैं, और उसका एक बार तो चैनल उसका भी और एक दूसरी का, इन दोनों का एक एक बार तो उड़ भी चुके हैं चैनल, पहले इनके चैनल मैंने एक पे देखी तो एक चैनल पे बड़ी हो रही थी, रो रो के मैंने वीडियो आज भी है वो वीडियो देख रहे, फिर ऐसे ही होगा, और अब के तो वही नहीं होगा, अब के तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी। बताऊं जो बड़ी बहुरिया है ना मेरी, बड़ी बहुरिया, बहू मेरी है, बेटा मेरा, बेटा मेरा, और बड़ी बहुरिया के ही मिलेगा, टेंशन ना ले। इसके अलावा ना करीब हमने 9-10 चैनल और भी चिन्हित कर रखे, उन सबके बारे में भी यही जांच करा के उन पे भी लीगल एक्शन लेने की पूरी कार्रवाई चल रही है। और ये देखो कितना बड़ा बंच है, देख रहे हैं ये सारे वो हैं जो ये फोटो है ना, ये सारे जिन्होंने भी हमारे उस पर लगा रखे थंबनेल, और ये पूरे देख लो, ये सबके ये चैनल है, ये दिख रहे होंगे। और अब देखो ये रहे नोटिस तैयार हो गए, लीगल नोटिस, ये तो FIR की कॉपी है, FIR जो होगी, ठीक है, ये FIR हो गई।
और ये है लीगल नोटिस, ये नोटिस देखो, ये देख लो यहाँ लीगल नोटिस हो गया, कर दी मैंने जब तक ज्यादा नहीं बताई थी। लोग ये सोच रहे थे ना कि बस ये तो वैसे ही धमकी दे रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, चिंता ना करो, जो गलत करेगा उसको कानूनी शिकंजे में आना पड़ेगा। देखो मैं लेके चली सीरो को और ये चले आज इन्हें बहुत बहुत दौड़ा, क्या जगह जाना है? यहाँ से जा रहा हूँ अभी मैं लखनऊ बाई रोड, और लखनऊ से फिर फ्लाइट ले रखी है मैंने गोवा की। गोवा हम भी मिलेंगे, अब हमू और रिकी और बिकी ये दिल्ली से सीधे गोवा पहुंच रहे हैं, मैं लखनऊ से वहाँ गोवा जाके मिल जाएंगे हम। हाँ। ये मेरा चलो भाई सीरो, अब सीरो भी घूम आएगा, दो दो काम हो जाएंगे, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ आऊंगा, सीरो को घुमा लाऊंगी, वो दाना डाले कबूतरों के, बाहर का मन करिए, अभी वाहन घर जाए, चलो मैं चली बाजरा लेकर, छोटे बाजरा डालिया तू, अब गोवा में मुलाकात होगी हमारी तुम्हारी शाम को। ओके चलो भाई चीरू बाबू कायली और ये भी कैप्टन को छोड़ने आ गए। ओके बाय बाय बाय। तो ये निकल गए लखनऊ के लिए। जय शेरो वाली माँ की जय हो, सभी देवी देवताओं की, सभी पितृ देवताओं की, और सभी के लिए आशीर्वाद माता रानी का, भगवान जी की तरफ से आपको आशीर्वाद, आरती, सारी खुशियाँ आए आपकी जिंदगी में, बहुत ढेर ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। गुड मॉर्निंग गाइस, कोई गोवा जाने से पहले इतना उदास देखा है? क्यों उदास हो? मैं गोवा जाने पे उदास हूँ, मेरे को गोवा पसंद नहीं। मम्मी क्या मन है घर बैठने का? मम्मी को यह कि मैं नहा के यहाँ बैठी रहती, मैं यहाँ घूम लूँ, दिल्ली विल्ली तक चली जाऊँ और कहीं चली जाऊँ, आसपास जाऊँ, फिर सीधा अपने घर। बैठने के चक्कर में तो मैंने ब्लॉगिंग करवाई ही कि ब्लॉगिंग कर लो, बैठी रहो, सोचती रहो, अब गोवा लेके जा रहा हूँ, पर ना फिर अभी भी फिर से वही है, बड़ी भारी। तो मम्मी जा रही है, मैं जा रहा हूँ, और विक्की भी जा रहा है। विक्की इधर देख, देखियो दूर से दूर मतलब नहीं। क्या क्या प्लान है आज? वहाँ वाटर स्पोर्ट करेगा? नहाऊं भी ना। कल मैंने उससे कही कुछ करेगा वाटर स्पोर्ट, एकदम चौंक गया बहुत। क्या मैं क्यों करूँ? ये ना पानी से बहुत डर है, ये वाटर से डर है, और मैं से वाटर स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ। सुन, वो चलाएंगे जेट स्की और पैरासेलिंग करेंगे, करेगा? जेट के नाम पे मेरा एक ही जेट चले। चलो मम्मी जल्दी रेडी हो जाओ। मम्मी मुझे बताओ आप गुस्से में को बताओ चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? चिड़चिड़ी जा रही हूँ, पसंद नहीं आए किस समय से मैं। मम्मी के कुछ प्लान कि बैठूं यहाँ पे मस्त पकवान खाऊं, अब मम्मी ये फ्लाइट मोड़ेंगे, या फ्लाइट में भी ढाई घंटे क्या करेंगी, मैंने कह दिया है मोबाइल नहीं चला सकती, मम्मी गाड़ी में चली जाएंगी। सुनो मैं आज एक चीज ट्राई करूंगा गाइस, फिर आप देखना मम्मी के ब्लॉग में, एक ना ऐसा पैक आता है वो ऊपर फ्लाइट में काम करता है, मैं अपने फोन से बाय कर लूंगा, अगर हो गया तो आप देख लेना, अगर यूज हो जाएगा है ना, अगर हो गया फिर तो दिक्कत है, जाओ फिर भी ना कहीं ना जाओगी, यूं तो करवा रहा हूँ मैं, और सीरो रहेगा अकेला। सीरो सीरो तेरी मम्मा को ले जा रहा हूँ मैं एक दिन के लिए, तूने इसका ऐसा नहीं सोचा, तू भी जा रहा है मैं भी जा रही हूँ, इसके पास कोई भी नहीं है, कैसे मतलब एक दिन छीलो एक दिन बस, कल तो मैं ही आ जाएंगे। अब मैं कल लोग इस पे इसको मतलब इतनी हंसी आ रही थी लोगों को, वो बोले थे यहाँ पे सब इस सबका इतना सीरियस वो चल रहा था, सीरियस विवाद चल रहा था, सब बहस कर रहे थे, और ये मस्तियाँ उल्टा होकर सो रहा था। कम से कम 100 कमेंट आए इसके ऊपर कि भाई हमें तो बस सीरो को देखने में मजा आ रहा है, वहाँ इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही है, सीरो मस्त सोया पड़ा है, ऐसे सीरा ऐसी मस्त सोता रहता है। तो भाई अब हम चले गोवा के लिए रेडी, बताएंगे कि वहाँ पे जाके करना क्या है, घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करना है, क्या करना है। अरे आ जाओ जींस मैजिक वन, छोटे क्या है जे घांगरा, चल दिए हम गाड़ी में बैठ गए हैं और निकल गए। क्या 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 बोलना चाहोगे बताओ? गोवा के लिए मेरी तो जबरदस्ती वाली बात है, मुझे तो तुम जबरदस्ती लेके जा रहे हो। नहीं मैंने ये जो आगे बैठा ना, मुझे तो खुद जबरदस्ती लेके जा रहा है। हम दो तो ऐसे जा रहे हैं जो फालतू में ही जा रहे हैं। भाई देखो ना, तो मेरा काम था वहाँ पर, ना मम्मी काम था, अभी हमारा है लेकिन बाद में, तो हमारा अभी नहीं था, अभी रिक्की का था। ये इतना पागल है, इसलिए कहा कि मैं मम्मी को भी लेके जाऊंगा, रिक्की को भी लेके जाऊंगा, विक्की को लेके जाऊंगा। ये देखो, लेकिन मम्मी वहाँ बहुत गर्मी है गोवा में, आपने ये सब जैकेट वैकेट ये सब, इतनी भी गर्मी कहीं ना है, इसलिए मैं तो हाफ स्लीव जैकेट पहन कर आऊंगी। देखो अगर कितनी भी मान ला तो इतनी जैकेट तो मेरी चलेगी भाई हर जगह, ये तो मैं पहनूंगी चलेगी चलेगी। अच्छा और रिके? नहीं तो अगर कम लगेगी तो वही खरीद लेंगे। तो रिक्की तो ऐसा है सब बाली घूमने जा रहा हूँ। आईडी ले ली पहले बताओ, आधार कार्ड ले लिया अपना? ओए मैंने नहीं लिया, ऐसे चल जाएगा मेरा आधार कार्ड। अब मम्मी सोच रही कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, ऐसे ऐसे करके मैं घर वापस आ जाऊंगी, मैं ले लिया एक बार ऐसा आधार कार्ड, ऐसा मतलब आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट, तेरे पापा का कुछ हो गया ना, हम कहाँ जा रहे हैं, सिंगापुर? हाँ, दुबई जा रहे हैं, पता नहीं कहीं जा रहे थे हम। उसके बाद एक साइड हम खड़े, एक साइड तेरे पापा खड़े, वो वापिस ही लौटने वाले, फिर भी मतलब ऐसा हुआ चले गए। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि जाने दो जाने दो, ऐसे करके लड़ ली थी वो, एक स्टाफ वाली थी बहुत अच्छी, एक स्टाफ वाली थी बहुत ही अच्छी, वो हमारे फेवर में खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं जाने दो, वो पासपोर्ट फट गया था कुछ हल्का सा। यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है, कहीं ऐसा ना हो ट्रैफिक में
तो आप तो चाह रही हो छोटा मोटा तो कहीं ना कहीं कि मैं घर आऊं और आराम करूं। मेरा बाबू और बाबू सीरो कहां है, जब मई है पता ना ठीक है। तुम देखे क्या बाबू और सीरो कहां है? तो सीधे अपने रूम से पता चला गया, मतलब मिल भी पाया तुमसे। हां वो तो ऊपर ही बैठा था मेरे रूम में। भाई हमको लग गई है भूख, हमको क्या लगी है मम्मी को लगी है, देखो पराठे लेकर आई है मम्मी हर जगह। ये मेरे फ्लाइट के लिए है, खोलो यार भूख लग रही है। नहीं भूख लगी, देखिए भूख लग रही है ना, ये बता इधर आ, ये फ्लाइट में कुछ और खिलवा दूंगा। पिछली बार जैसा मैं फ्लाइट में लेकर खाया तो फिर मैंने वो काजू ले लिए, तेरे पापा ने सबसे पहले हाथ डाले उसमें, काजू खा गए मेरे। मम्मी कैसी माँ, दो गरीब से बच्चे भूखे बैठे हुए, गरीब बच्चे ऐसे कैसे भगे हैं भूखे। अचार तो लगाती है, मुरूखा पराठा मेरे मुँह में दे दिया। मैं ना सानू हाथों को कलयुग की माँ, भैया बच्चे भूखे मुँह में इतना मोटा पराठा भर दिया ना, बोला जा रहा ना कुछ, और अचार है ना रूखा। एक किलो कैसे खाना कैसे खा रहे हैं? मम्मी मुझे एक टुक बना कर दे रही है, मैं ऐसे पकड़ता हूँ फिर खाता हूँ ऐसे। हाँ, एक बाइट नहीं टुकड़े टुकड़े एक एक टुकड़ा एक एक टुकड़ा ज्यादा भर के मुँह में रुक जाओ, फिर न मिले शाम तक। मैं कह रही हूँ भूल मिलती है, मेरे बच्चे भूल न जाना, कुड़े का कर्ज निभाना, ये लो मेरे दूध का कर्ज चुकाना। हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, यहाँ पर एक बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं, आज आपको ढूंढने ठीक है। बताओ देखिए क्या है वो, एक बड़ा सा डब्लू है उसके नीचे 10 करोड़ रुपए आपको ढूंढना है। अरे भैया एक पिक्चर में हुआ है ये चीज। अच्छा गोलमाल नहीं है अंकल, गोलमाल नहीं है वो धमाल है, तो लास्ट में माल ही सब गोलमाल हो या धमाल हो फिर माल ही माल है, एक बड़ा सा डब्लू ढूंढना है माल या फिर माल उसके नीचे 10 करोड़ रुपए है और सब ढूंढेंगे आज ठीक है। और हम आ गए हैं एयरपोर्ट, मम्मी के लिए मैं व्लॉगिंग करता हुआ जा रहा हूँ आज, क्योंकि मम्मी ने आज मेरी ड्यूटी लगाई है कि आज व्लॉगिंग तुझे करनी है पूरी, आज नहीं कल भी। अच्छा पूरे ट्रिप पर? पूरे ट्रिप। अच्छा मैं ही करता हूँ, तू है जूनियर पाई। ओए पाई करेंगे मैं आपके, मैं तो जब तक कर रहा हूँ जब तक पाई मिल रहे हैं, सिर्फ आपका साथ देने के लिए। पापा करेंगे तो मोहल्ले लेंगे, वो पाई जाने और आप जानो आप दोनों काम है। तो तू भी करिए दोनों, मैं आपको बनाऊंगा ऐसे करके ऐसे ठीक है। ठीक है हेलो गाइस, तो हम चले गोवा, कई बार पहुँच गए हम ब्लॉग में, तो पहुँच गए हम एयरपोर्ट।